दोस्तों 20 जुलाई 1929 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट के गांव सन खतरा में पैदा होने वाले राजेंद्र कुमार 40 साल बाद 22 मार्च 1988 को पाकिस्तान के विजिट पर आए थे। राजेंद्र कुमार ने तकसीम के वक्त एक महाजर बनकर जिस मुल्क को छोड़ा था, 40 साल बाद उसी मुल्क के सदर की दावत पर एक स्टेट गेस्ट की हैसियत से आए थे। सिर्फ यही नहीं, राजेंद्र कुमार 23 मार्च को पाकिस्तान डे की परेड में भी एक स्टेट गेस्ट की हैसियत से शरीक हुए। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक के साथ राजेंद्र कुमार की डिनर और नाश्ते पर बहुत सी मुलाकातें और बहुत सी बातें हुई। 22 मार्च 1988 से 15 अप्रैल तक राजेंद्र कुमार जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहे। राजेंद्र कुमार जब अपने गांव पहुंचे तो डार से बिछड़ी कूंच की तरह रोते रहे, कुरलाते रहे। इस विजिट के दौरान सदरे पाकिस्तान ने राजेंद्र कुमार को इतनी मोहब्बत और इज्जत दी कि उन्होंने मुंबई जाकर भी ये कहा कि मैं दिल की गहराइयों से सदरे पाकिस्तान का परस्तार बन गया हूँ। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि उस वक्त के डिक्टेटर सदर ने आखिर राजेंद्र कुमार को पाकिस्तान आने की दावत क्यों दी थी। साथ ही ये भी बात होगी कि अपनी जन्मभूमि को देखकर राजेंद्र कुमार के क्या महसूसात थे। हमारे साथ रहिएगा। जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जो सियालकोट के एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिंदगी भर अपने शहर की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे। सियालकोट से हिजरत करके ये पहले अमृतसर गए, फिर दिल्ली और बाद में किस्मत इन्हें खींचकर मुंबई ले गई, जहां बहुत सी कामयाबियां उनके इंतजार में बैठी थी। जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां समेटने के बाद भी राजेंद्र कुमार अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। 1988 में जब राजेंद्र कुमार पाकिस्तान का विजिट करके मुंबई वापस आए तो शम्मा देहली के इलियास तेलवी ने उनके घर पर मुलाकात की। इलियास तेलवी लिखते हैं, जुबली कुमार से मुलाकात हुई तो वो पाकिस्तान के विजिट की खुशबू में बसे हुए थे। उनके पास कहने को इतनी बातें थी कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि कहां से शुरू करें, क्या कुछ बताएं। आखिर मैंने ही उनसे पूछा, आप पाकिस्तान क्यों गए थे, तो कहने लगे 23 मार्च पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान के मारूफ फिल्म स्टार मोहम्मद अली, जो मेरे दोस्त हैं, को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाना था, तो सदरे पाकिस्तान की तरफ से मुझे, अशोक कुमार और मनोज कुमार को इनविटेशन मिला। वो दोनों तो किसी वजह से नहीं जा सके, लेकिन मैं जो अपनी जन्मभूमि देखने के लिए दीवाना हो रहा था, चला गया। पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना तो उठते बैठते सोते जागते वो चेहरे, दोस्त, गलियां, ईंटें, घर, खेत खलियान, दरख्त और बिछड़ी हुई हर चीज मेरी आंखों के सामने घूमती रही। तकसीम के वक्त वतन छोड़ने के साथ साथ जान बचाने की भी फिक्र थी। जान तो बच गई, लेकिन वतन के विछोड़े का एहसास कहीं दिल में बैठ गया। जिस मुल्क से मैं एक महाजर बनकर निकला था, अब 40 साल बाद मैं उसी मुल्क में एक स्टेट गेस्ट बनकर जा रहा था। मैंने सियालकोट में अपना गांव सन खतरा तो देखा ही, वो शहर और वो जगह भी देखी जो यहाँ रहते हुए भी नहीं देख सका था। मसलन मरी के पहाड़ और फैसलाबाद। मुझे सरकारी तौर पर एक मर्सिडीज मिली हुई थी, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती थी, जैसे मैं किसी मुल्क का सरबराह हूँ। मेरे दादा जंगे अजीम अव्वल के दौरान मिलिट्री के ठेकेदार थे और मेरे वालिद कराची में
कपड़े का कारोबार करते थे। मैं सियालकोट के हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता रहा। मेरे आबाई गांव सनखतरा में हमारा घर तो नहीं रहा, मगर कई पुराने दोस्त वहां मिले। एक बुजुर्ग खातून मिली जिन्हें हम बुआ कहते थे और जिनकी गोद में हमने बचपन के दिन गुजारे थे। मैं अपनी इस बुआ से मिलने गांव पहुंचा तो सारा गांव मुझे देखने के लिए आया हुआ था। मैं 40 साल बाद ख्वाबों को हकीकत बनता देख रहा था। मेरी आंखें रावी और चनाब बन गई थी। मैं अपने आप को अपनों के दरमियान पाकर बहुत रोया। उस दिन पता चला कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। राजेंद्र कुमार ने पाकिस्तान में एक शोबीज मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, अगर तकसीम ना होती तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का मरकज होता और मुंबई की भी वो हैसियत ना होती जो अब है। मेरे पाकिस्तान आने का एक मिशन ये भी था कि हम कल्चर के जरिए अमनो अमान कायम करें। आखिर इसमें बुराई ही क्या है? हमारे लोग यहाँ आए, आपके लोग वहां जाएं और मिलजुल कर काम करें। राजेंद्र कुमार ने 23 मार्च 1988 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान डे की परेड भी देखी और सदर पाकिस्तान की तरफ से दिए गए डिनर में भी शिरकत की। डिनर में उनकी मुलाकात उर्दन के शाह हुसैन और मलका नूर से भी कराई गई। इस्लामाबाद के अलावा राजेंद्र कुमार की सदर पाकिस्तान से लाहौर में भी मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में सदर जियाउल हक ने राजेंद्र कुमार को इतनी इज्जत और मोहब्बत दी कि राजेंद्र कुमार बाकायदा सदर जियाउल हक के परस्तार बन गए। इन मुलाकातों में सदर जियाउल हक ने राजेंद्र कुमार से कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के फनकार मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के मुल्क का विजिट करें, क्योंकि फनकार लोग थोड़े से वक्त में जो माहौल पैदा कर सकते हैं, शायद वो माहौल सियासतदान एक लंबे अरसे में भी पैदा ना कर सके। राजेंद्र कुमार ने शम्मा देहली को बताया, मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब सदरे पाकिस्तान मुझे वेलकम करने के लिए खुद दरवाजे तक आए और वापसी पर दरवाजे तक नहीं बल्कि गाड़ी तक छोड़ने आए। उन्होंने रुखसत करते हुए मुझे एक खूबसूरत कालीन भी तोहफे में दिया। पाकिस्तान में मेरी जो मेहमान नवाजी की गई, मैं उसे सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। राजेंद्र कुमार के पाकिस्तान में मेजबान पाकिस्तान के मारूफ फिल्म स्टार मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली के साथ ही राजेंद्र कुमार लाहौर में सदरे पाकिस्तान की तरफ से उर्दन के शाह हुसैन के एजाज में होने वाले डिनर में भी शरीक हुए। इसके अलावा पाकिस्तान में राजेंद्र कुमार के एजाज में बहुत से फंक्शंस हुए और ऐसी हर तकरीब में राजेंद्र कुमार एक बात जरूर करते रहे कि मैं दिल की गहराइयों से सदरे पाकिस्तान का परस्तार बन गया हूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।